तो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कौन सा पत्थर अच्छा आता है, इमरी पत्थर अच्छा आता है या देसी पत्थर अच्छा आता है। दोस्तों तो काफ़ी लोगों का सवाल था कि हम दो भाई देसी पत्थर इस्तेमाल करें या इमरी पत्थर इस्तेमाल करें। तो उन सभी के सवालों का जवाब मैं इस एक ही वीडियो में दे दूंगा, देसी पत्थर का भी दे दूंगा और इमरी पत्थर का भी दे दूंगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इमरी पत्थर के बारे में, क्योंकि अगर आप इमरी पत्थर इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है, और आप देसी पत्थर इस्तेमाल करते हो और आपको इमरी पत्थर इस्तेमाल करना है तो भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों पहली बात है कि जब भी आप इमरी पत्थर नया डालोगे, बदलोगे दोस्तों, तो उसमें एक फ़ायदा होता है कि आपको रेती से लेनी पड़ती है, धूल से जो भी लेते हैं उससे लेनी पड़ती है सेटिंग में। तो वो क्या होता है कि ज़्यादा गंदा नहीं होता, थोड़ी बहुत रज उठती है, धूल उठती है, तो उसे तो हम किसी भी झाड़ू से या किसी भी कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं दोस्तों। तो वो आपके लिए फ़ायदा कर रखे, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है दोस्तों, और वो जो उसका चक्की खोल के हम साफ़ करते हैं तो वो भी जल्दी हो जाता है दोस्तों। पर देसी पत्थर में ऐसा नहीं होता दोस्तों। देसी पत्थर में क्या होता है कि जब भी आप नया पत्थर डालोगे तो आपको पानी से लेना होता है दोस्तों। अगर आप पानी से लोगे तो जहाँ भी चक्की में कहीं भी जगह रह जाएगी दोस्तों, तो वो आजू बाजू पर ढुलेगा, आजू बाजू में फैलेगा पानी, और हमारी चक्की में आटा भी होता है तो दोस्तों वो बहुत गंदा हो जाता है, चारों ओर पानी और आटा चिपक जाता है, उसे साफ़ करना पड़ता है, फिर चक्की को खोल कर अंदर से साफ़ करना पड़ता है, तो वो थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है। तो ये छोटी सी बात होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं, पर थोड़ा गंदा लगता है दोस्तों, पर वो इमरी पत्थर में अच्छा लगता है कि इमरी पत्थर में जल्दी साफ़ हो जाता है दोस्तों। और दूसरा इमरी पत्थर का मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप पिसाई करते हो दोस्तों, तो इमरी पत्थर में माल कम उड़ेगा पर थोड़ा ज़्यादा जलेगा। पर इस तरह देसी पत्थर में क्या होता है कि जलता कम है और उड़ता ज़्यादा है दोस्तों। तो देसी पत्थर में भी क्या होगा, अगर आप 20 किलो पीसते हो तो देसी पत्थर में 20 किलो पर आपका 600 से 700 ग्राम तो आपको गिनी कहीं चलने का, 700 ग्राम आपका माल उड़ जाएगा या जल जाएगा दोस्तों। पर इमरी पत्थर में उस तरह नहीं होता। अगर आप इमरी पत्थर अच्छा इस्तेमाल करते हो, काफ़ी अच्छे आते हैं पत्थर, अगर आप अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करते हो, अगर आपकी टकाई अच्छी है, तो इमरी पत्थर में क्या होगा 400 से 500 ग्राम ही आपका माल कम होगा, घटेगा दोस्तों ग्राहक का माल, तो वो आपको इमरी पत्थर में ये दूसरा भी लाभ है दोस्तों। अब रही तीसरी बात दोस्तों, तो तीसरी बात ये है दोस्तों कि जब भी आप टकाई करोगे ना इमरी पत्थर की, और टकाई करके आपने फिट की, इमरी पत्थर फिट किया और देसी पत्थर भी फिट किया दोस्तों, तो देसी पत्थर आपका चलेगा 10 से 12 दिन मेरी 10 दिन चलती है। जितना जो टकाई का तो ऐसा होता है कि पिसाई ऊपर आधार होता है कि चलो मेरे 10 दिन चलती है, तो मेरे ऊपर से मैं आपको बताता हूँ, तो मेरी चलती है 10 दिन। अगर मेरी चक्की में इमरी देसी पत्थर की जगह इमरी पत्थर होगा दोस्तों, तो वो चलेगी 14 दिन या 15 दिन दोस्तों, क्योंकि 4 से 5 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि इमरी पत्थर थोड़ा हार्ड होता है देसी पत्थर के मुकाबले में। तो आपको ये 3 फायदे इसमें हो गए, एक तो आपकी टकाई भी लंबी चलेगी, आपका माल भी कम घटेगा ग्राहक का, और आपको पत्थर बदलाने के टाइम भी थोड़ा आसान रहेगा। अब हो गई है इमरी पत्थर के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगा देसी पत्थर के। देसी पत्थर की एक ही खूबी है दोस्तों, कोई दूसरी खूबी नहीं है, ये 3 इसमें खूबी नहीं है, बाकी एक खूबी ऐसी है कि वो इमरी पत्थर में भी नहीं है दोस्तों। आपके ग्राहक वहाँ अच्छी क्वालिटी मांग रहे हैं, अच्छा आटा मांग रहे हैं दोस्तों, तो वो सिर्फ अच्छे से अच्छा आटा देसी पत्थर में ही आएगा दोस्तों, क्योंकि देसी पत्थर जो भी जहाँ भी इस्तेमाल करता है दोस्तों, उसकी घरागी बहुत होती है, उसकी घरागी भी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ तो सभी के गुजरात में आप जब गुजरात में आओगे ज़्यादातर आपको देसी पत्थर चलाने वाले ज़्यादा मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी की वधारे मांग है, ना कि आपका आटा कितना कम हुआ कितना जला वो भी नहीं कहेंगे, आप कैसी क्वालिटी पीस के देते हो यहाँ पे यही देखेंगे। अगर आपके वहाँ ग्राहक ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारा घटना नहीं चाहिए, हमको झोंक के दो, हमारा पूरा माल आना चाहिए, तो आपके लिए इमरी पत्थर सही है। अगर आपके वहाँ ग्राहक क्वालिटी मांगते हैं कि भाई हमारा अच्छा पिसा हुआ होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी निकलनी चाहिए, हमें वो फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आपका कितना 100 ग्राम 200 ग्राम ज़्यादा जल गया है, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको देसी पत्थर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देसी पत्थर कुदरती पत्थर है दोस्तों, कोई बनाया हुआ पत्थर नहीं आता।
वो पहाड़ों में से निकलता है, फिर उसे गोल आकार देते हैं। और जो एमरी पत्थर होता है वो उसे कंपनी बना, जो भी कंपनी होती है वो उसे बनाती है दोस्तों, मटेरियल से, किसी भी मटेरियल से बनाती होगी मुझे नहीं पता, तो वो बनाती है। पर देसी पत्थर को बनाने में नहीं आता, उसे खाली आकार देने में आता है दोस्तों। वो क्वालिटी बाय क्वालिटी का प्राइस होता है उसका, क्योंकि कैसी क्वालिटी का वो पत्थर निकला है पहाड़ों में से, उस क्वालिटी के हिसाब से उसका प्राइस होता है दोस्तों। तो देसी पत्थर आपको अगर इस्तेमाल करना है तो आपको क्वालिटी के लिए इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मैं भी कितने टाइम से ये देसी पत्थर इस्तेमाल करता हूँ। मैं पहले स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम, मैंने 2 से 4 महीना मैंने एमरी पत्थर इस्तेमाल किया था। मेरे ग्राहकों की फरियाद आ गई थी, 2-4 ग्राहक चले भी गए थे, क्योंकि यहाँ तो सब देसी पत्थर इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं एक अकेला एमरी पत्थर इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि सभी ने देसी पत्थर का आटा खा चुके हैं। तो अब एमरी पत्थर डालूंगा तो उनके सामने मेरा नहीं चलेगा दोस्तों। तो मैंने फिर से बदल दिया, 2 से 4 महीने में फिर से देसी पत्थर डाल दिया और फिर से ग्राहकी बढ़ा ली। पहले एक थी, फिर 2 कर ली चक्की, अब तीसरी करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपको भी अगर आपके आजू बाजू देसी पत्थर चल रहे तो आपको एमरी पत्थर नहीं डालना चाहिए। अगर आपके आजू बाजू में एमरी पत्थर चल रहे तो देसी पत्थर आप डाल सकते हो, पर आपके एक ही बात है दोस्तों, एक ही आपको बात लड़ेगी, क्योंकि अगर आपके वहाँ झोंक के तोल के लेते हैं, तोल के देते हैं और 20 किलो 400-500 ग्राम ही घटना चाहिए ग्राहक का, इस तरह होता है वहाँ, तो आपको एमरी पत्थर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तोलने की सिस्टम नहीं है आपके वहाँ कि भाई कोई तोल के, कोई ऐसा नहीं है कि तोल के हम 100-200 ग्राम ज़्यादा भी घट जाएगा तो कोई बोलेगा, तो आपके लिए देसी पत्थर अच्छा है दोस्तों। तो देसी अगर आपके वो क्वालिटी के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए आपको इस्तेमाल करना है देसी पत्थर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको तोलने का या कोई किसी भी दूसरा प्रश्न हो तो एमरी पत्थर इस्तेमाल कीजिएगा। और जिस तरह को आपका ग्राहक को वहाँ देख लेने का दोस्तों, कि हमारे ग्राहक को यहाँ किस पत्थर का आटा ज़्यादा पसंद आता है, अगर उस पत्थर का आटा पसंद आ गया एमरी पत्थर का तो फिर देसी पत्थर का उसके पसंद नहीं आएगा, देसी पत्थर का आ गया तो एमरी पत्थर का पसंद नहीं आएगा। तो वो झंझट में ना लीजिए कि भाई हम कौन सा पत्थर इस्तेमाल करें, कौन सा पत्थर अच्छा आता है। जो भी आपके वहाँ ज़्यादा चलता है दोस्तों वही पत्थर का आप इस्तेमाल कीजिएगा, और दूसरी किसी बात में मत पड़िएगा। बाकी कहीं लोग आएंगे कि भाई ये पत्थर इस्तेमाल करो, ये पत्थर इस्तेमाल करो, जो था वो मैंने आपको सच बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो घंटे का बटन है उसे ऑल पर क्लिक कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।